अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12 बजे से लोकसभा में होगी चर्चा शुरू। शाम 7 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। मणिपुर हिंसा पर 26 जुलाई को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के लोकसभा में पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर लगातार पीएम मोदी के बयान की विस्तृत बयान की कर रहे हैं। विपक्षी गुट इंडिया का सामने आया प्रस्ताव को लेकर उद्देश्य, प्रधानमंत्री मोदी को संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए करना है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया 3 दिनों का व्हिप, 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मौजूदगी होना जरूरी। मोदी संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का करेंगे सामना। प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का होगा पहला अविश्वास प्रस्ताव। यह मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे 10 अगस्त को शाम 4 बजे सदन में बोल सकते हैं पीएम। अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह भी चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय की अवधि। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिनों का समय आवंटित। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। बहस के दौरान राहुल गांधी का गले लगाना और आंख मरना काफी चर्चित रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की टिप्पणी, कहा कि अविश्वास प्रस्ताव 3 दिनों तक चलेगा, मुझे यकीन है कि हम इस नैतिक जीत सकेंगे। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, विपक्षी सांसदों ने किया राहुल का स्वागत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। अविश्वास प्रस्ताव पर खुली बहस कर सकते हैं राहुल। राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले खड़गे, कहा कि यह देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा आवास समिति से संपर्क किया, राहुल गांधी को सरकारी आवास अलॉट करने के लिए निवेदन किया। राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बिना किसी देरी के संवैधानिक प्रक्रिया का किया गया पालन। दिल्ली से बबिल, राज्यसभा से भी पास समर्थन में 131 सदस्यों ने डाले वोट, विपक्ष में पड़े 102। दिल्ली से बबिल राज्यसभा से पारित होने के बाद दिल्ली के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी जी ने दिल्ली वालों की आजादी छीनी, दिल्ली के लोगों की वोट की कोई कीमत नहीं बची। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? उनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा पर भी सरकार को घेरा, कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर को जला दिया गया। सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर साधा निशान लगाया, कहा कि आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोक रहा है। दिल्ली से बबिल राज्यसभा में पास होने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, कहा कि मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के लिए काम करेंगे, सिर्फ अनावश्यक बयान नहीं देंगे। दिल्ली से बबिल पास होने के बाद आप नेता गोपाल राय के सामने आई प्रतिक्रिया, कहा कि आज बीजेपी का झूठ देश की जनता के सामने आया, जनता के लिए बीजेपी को जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए। दिल्ली से बबिल पर बीजेपी सांसद प्रवेश साहब ने भी दी प्रतिक्रिया, कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि ये उनकी जीत है। बिल्कुल आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया राजनीतिक धोखा, कहा कि पहले बीजेपी ही करती थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। राघव चड्ढा ने अफसरों पर, अब मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं सुनेगा उनकी, एलजी को सुपर पावर देता है ये बिल। रोक से पहले प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को उठाया, 4 दिनों में आरोपियों के कई ठिकानों को तोड़ा गया। ज्ञानवापी में जारी एएसआई के सर्वे के बीच रिकॉर्ड में लिए जा रहे प्रतीकों का बढ़ा विवाद, मुस्लिम पक्ष ने किया दावा कि जिसे बताया जा रहा है त्रिशूल, असल में वो है अल्लाह लिखा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का 5वां दिन आज, कल के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हम अपने दावे के बहुत निकट पहुंचे। सिंध योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी वाले बयान को मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया गलत, कहा कि पुराने समय में लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञानवापी पर बयान, कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं शिव मंदिर है, इसे मस्जिद कहना बंद करो। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 14 अगस्त को सुनवाई। जातिगत जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि समाज को जातियों में बांटकर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं नीतीश कुमार। समाज की बेहतरी से लेना देना नहीं है,
ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांट कर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में टोल टैक्स हटाने की मांग की, बोले कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रही है केंद्र सरकार। मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार गुट के जयंत पाटिल, कहा कि विपक्ष को लेकर चर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा को लेकर जताई नाराजगी। नागपुर में आदिवासी समुदाय का अर्थदंड में प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा को लेकर जताया विरोध। सूरत में बीजेपी विधायक ने ट्रैफिक जवान को दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के किसानों को बड़ी सौगात, केजरीवाल सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्किल रेट। दिल्ली में टाटा प्ले और नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया GSAT-24 उपग्रह। टाटा प्ले पर अब देखे जा सकेंगे 900 चैनल्स। देहरादून में दिखा भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से दुकान बह गए। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पूरे नैनीताल में अलग अलग इलाकों में सारे नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में बहता दिखा युवक। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। अयोध्या में लगातार बारिश के कारण सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, जल आयोग जलस्तर पर रख रहा है निगरानी। केदारनाथ यात्रा में देर रात आई त्रासदी में लापता हुए 20 लोग, एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें कर रही हैं रेस्क्यू का कार्य। गुलशन कुमार की हत्या की याचिका पर सरकार से जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस। सीमा हैदर केस पर बोले सनी देओल, कहा कि बॉर्डर पार प्यार करने वाले लोग साथ रहना चाहेंगे, इच्छा का सम्मान होना चाहिए। दीपिका ने रणवीर सिंह के लिए शेयर किया फ्रेंडशिप डे पोस्ट, बोले कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।